गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर पेज नंबर 22. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल डेट राइट हेयर 1 7 months 2021 ईयर एंड क्लास वर्क हेयर. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर हम इसके नोटबुक में करेंगे. एक्टिविटी टाइम में आ जाइए. क्वेश्चन ए, नेम योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स का नेम लिखना है. इन द स्कूल, स्कूल में आपके कौन कौन से फ्रेंड हैं? जिस तरीके से मैंने लिखा है, विनीता, शालिनी, रेखा. अब यहां पर आप भी अपने स्कूल के फ्रेंड्स के नेम लिखेंगे. इन योर लोकेलिटी, अपनी लोकेलिटी में, तुम्हारी लोकेलिटी में, यानी कि जिस एरिया में आप रहते हो, जिस जगह पे, तो वहां पर आपके फ्रेंड्स होंगे, उनके नेम लिखेंगे. यहां मैंने लिखा है मानवी, साक्षी एंड रिया. इस तरीके से आपको भी अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने. क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रेड. यहां पर हमने दिए गए जो वर्ड है, पेरेंट्स, फादर, डॉटर, ब्रदर, मदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, चिल्ड्रन, ये वर्ड्स हमने इस ग्रेड में, ग्रेड बनाया हुआ है, इस ग्रेड में क्या करना है, उनको यहाँ पर बॉक्स बना के इस तरीके से ढूंढना है. पेरेंट्स, तो यहाँ पे देखिए पेरेंट्स वर्ड है, इसको इस तरीके से हम सर्कल कर सकते हैं, चाहे तो आप कलर से चाहे पेंसिल से. नेक्स्ट फादर, तो यहां से देखिए फादर, यहां फादर में इस तरीके से सर्कल करें. डॉटर, डॉटर किस, डॉटर वर्ड है यहां पर, तो उसे इस तरीके से अंडरलाइन करें. ब्रदर, ब्रदर को इस तरीके से यहां पर देखिए इस लाइन में, यहां पर. मदर, यहां देखिए मदर इस तरीके से. सो नेक्स्ट है हमारा सिस्टर, सिस्टर है हमारा इस वाली रो में, और हम उसे यहां ऐसे सर्कल करेंगे. नेक्स्ट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर हमारा फादर से बिल्कुल अटैच है. ओके, सो सर्कल ऑन ग्रैंडफादर. ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर भी हमारा मदर के साथ ही अटैच है, तो सर्कल ऑन ग्रैंडमदर. लास्ट है चिल्ड्रन. ओके, तो चिल्ड्रन आप यहां पर चिल्ड्रन वर्ड भी ढूंढकर उसमें सर्कल करेंगे. ओके, नेक्स्ट आ जाइए, ये चिल्ड्रन आपका यहां पर है. ओके, सर्कल ऑन चिल्ड्रन. लाइफ स्किल्स, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली रिसेम्बल ईच अदर. मेंबर्स ऑफ फैमिली, आप फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं. वी ऑल्सो हैड सम हैबिट्स एज आवर पेरेंट्स और अदर फैमिली मेंबर्स. हमारे जो माता पिता हैं या परिवार के अन्य सदस्यों के रूप में हमारी कुछ आदतें हमें वो सिखाते हैं या होती हैं. ओके, मिलती है हमारे पेरेंट्स से, हमारी कुछ हैबिट्स उनसे मिलती है. वी मस्ट बी थैंकफुल टू अवर एल्डर्स एंड नेवर हेजिटेट टू हेल्प ईच अदर. हमें अपने बड़ों को का क्या करना चाहिए, थैंकफुल करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए उनको, अपने एल्डर जैसे बड़े भाई बहन, उनको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. अपने से बड़ों की, जैसे मदर है घर में, तो अगर वो कोई चीज लाने के लिए कहती हैं हमें, तो उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए. वी शुड स्पेंड टाइम विथ अवर ग्रैंड पेरेंट्स. हमें अपने दादा दादी के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. ओके, वो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं,
उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके एक्सपीरियंस सीखने को मिलते हैं और कई ऐसी बातें जो हमें उनसे सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उनके साथ भी हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो इस एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट करना है बुक में और इसे लाइफ स्किल को रीड करना है। नेक्स्ट नोटबुक में देखिए क्या क्लास वर्क है। थर्सडे डे डेट 1/7/21 राइट हियर एंड क्लास वर्क लेसन 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज। क्वेश्चन आंसर करवाए हैं 2। व्हाट इज अ फैमिली, फैमिली क्या है। आंसर 1, पीपल लिविंग टुगेदर एज अ यूनिट फॉर्म अ फैमिली। जब लोग साथ साथ एक यूनिट फॉर्म में रहते हैं तो उसे एक परिवार कहते हैं, इकट्ठा रहते हैं तो एक फैमिली बनती है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली क्या है। आंसर, अ न्यूक्लियर फैमिली हैज वन पेयर ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली में एक पेरेंट्स का जोड़ा होता है, यानी कि मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं। तो इससे आपने क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है और बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बुक में। ओके।